मॉर्निंग अभी बजे 6 और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज पहली तारीख और सबसे बड़ी बात है कि आज संडे है। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ दवल जुबानी। सो मेरा एक फ्रेंड आ चुका है, इसका नाम है नीरज, और दूसरे दो लोग वेट कर रहे हैं। ये हमारी पहली सवारी और दूसरी एक आगे वो लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, इसको आप जानते होंगे, काला चेहरा, ये इस बार हमारे साथ नहीं आ रहा है। इसको बड़ी मस्ती सूझी आज। चल महिला, तो हमारे दो बंदे और मिल चुके हैं हम लोग को। ये है शिवाराम और काव्या मैडम। गुड मॉर्निंग, नए साल के शुरुआत इन लोग से हुए नए लोगों के साथ। तो हम लोग कहीं भी राइड पे निकलते हैं, हम लोग पहले यहाँ दर्शन करते हैं, मतलब ज़्यादातर हम लोग यहाँ ही आते हैं, या तो फिर कोई और मंदिर रास्ते में दिख जाए तो हम लोग पहले वहाँ माथा टेक के फिर निकलते हैं। तो अभी 97 किलोमीटर जितना बाकी है। मेरा लुक देख के हंसना मत, ये थोड़ा नया है पैटर्न का, अभी तो काफ़ी अच्छा व्यू है इसलिए हम लोग स्टॉप लिया है। लुक एट दिस अमेजिंग मॉर्निंग। तो इतनी तैयारी से इसलिए है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो अंधेरे में चेहरे नहीं दिख रहे थे किसी के, तो हम लोग के साथ। इतनी ठंडी है मत बोलो भाई, राम 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 ठंडी। तो अभी हम लोग रानकुआ पे हैं और यहाँ का फेमस आप सब तो जानते ही होंगे, हर कोई सापुतारा डांग साइड जाने वाला यहाँ नाश्ता करके ही जाता है ज़्यादातर, और ये व्यू देख के। तो आज है संडे अभी और पहली तारीख है 2023 की, तो शायद भीड़ हो सकती है जहां हम लोग जा रहे हैं, या नहीं भी हो सकती है क्योंकि कल 31 थी, सब पीपा के पड़े होंगे कहीं, तो देखते हैं उधर जाके। पर बोले स्टॉप लिया है हम लोगों ने और मेरी फिंगर्स लिटरली दर्द कर रही है, पूरी जम चुकी है, इतनी ठंड है यहाँ पे। जैसे ही हिल एरिया शुरू होता है वैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, और रास्ते काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, रास्ते काफ़ी ब्रॉड कर दिए, पहले से ज़्यादा सेफ्टी बढ़ चुकी है ये रास्ते पर। तो जो भी आएगा व्यू देखने में बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है। उंगलियाँ काम नहीं करी, दर्द करिए। शिवा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? माइंड ब्लोइंग,
ठंड कैसी है? ठीक है, बात नहीं, आप लोग खुद आ जाओ और फीलिंग्स का मजा ही ले लो। तो शिवा है ओडिशा से, स्पेशल सापुतारा घूमने आए हमारे साथ आज। आप भी एक्चुअली हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए थे, हमारे फ्रेंड्स लोग के भी हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारी वेट कर रहे थे, हम लोग ने देखा नहीं, हम लोग सीधा सीधा आगे निकल आए। तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके वो लोग, तब तक हम लोग व्यू के मज़े ले रहे हैं इधर के। पैराग्लाइडिंग वो सब आप ये रास्ता एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे टर्न ले लेना, तो आप पैराग्लाइडिंग के तरफ चले जाओगे। ये वाला रास्ता है, ये हमारे वेट कर रहे थे, ये लोग पहले आ गए, पहुंच गए हैं, हम इनसे पहले पहुंचे हैं। कभी कभी ये इतने तेज निकल जाते हैं, कभी कभी इनका पता ही नहीं चलता है कुछ, और फोन तो इनका उठता ही नहीं है। और इस तरफ आपको होटल्स वो सब मिल जाएगी, इधर से सीधा चले जाओगे तो। तो जैसे ही आप एंटर हो गए सापुतारा में, ये पूरा फूड एरिया है, यहाँ पे आपको चाय, मैगी, पाव भाजी सब कुछ मिल जाएगा। इधर से अंदर जा सकते हैं, आगे से भी जा सकते हैं, आगे पूरी बाजार लगी हुई है, कुछ खरीदना हो अंदर। चॉकलेट्स यहाँ फेमस है, यहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ से चॉकलेट्स लेते हैं। तो ये है मेन एंट्रेंस का सर्कल, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे, चलो एंट्रेंस से राइट लेना है। तो इधर आपको मिलेगा गुजराती थाली, फिर इधर शुगर एंड स्पाइस है, ये आपका पार्किंग एरिया है, यहाँ आपको सब पार्किंग्स की जगह मिल जाएगी, ये पूरा पार्किंग एरिया। ये होटल सापुतारा इन रहने के लिए रूम्स। और इस तरफ है अपना सनसेट पॉइंट, और उसके एग्जैक्ट सामने की तरफ मतलब अपोजिट साइड आप सनराइज पॉइंट है, और इधर से सीधा रोपवे की तरफ। तो इस तरफ से जाना रहेगा अपने रोपवे के लिए, और रोपवे ऊपर दिख रहा है वो जाना पड़ेगा उधर, तो वो रास्ता है इधर से ऊपर। एक्चुअली रोपवे के सिवाय और भी है सब एक्टिविटीज़, तो हम देखते हैं उधर आगे जाके। ये भी एक एक्टिविटी है, यहाँ आपको रेंट पे बाइक्स मिलती है चलाने के लिए, और आर्केड। लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। तो ये रोपवे का जो रास्ता है उसमें हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बाइक की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, शायद आगे का टायर भी ऊपर आ जाता है, मतलब ढलान काफ़ी ज़्यादा है। और ये उससे भी ज़्यादा बड़ी ढलान, पर छोटी सी है, और ये वाली सबसे डेंजर है, सबसे डेंजरस ढलान। पता नहीं कैमरे में आपको कैसी दिख रही होगी, स्क्रीन में जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे
जो जो आए हैं उनको तो मालूम ही है, पर जो नहीं है वो एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना। बस रास्ते में ब्रेक मत लगाना वरना लग जाए। और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है पहले से ज़्यादा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब ये सब बन रहा था यहाँ पे। संडे के हिसाब से भीड़ तो है काफ़ी ज़्यादा। तो देखा टूरिज्म प्लेस, पूरा पिकनिक स्पॉट है ये। घोड़े हॉर्स राइडिंग के लिए यहाँ से शायद 50 रुपीज़ जितना लेते हैं पूरे। इन लोग के तो हॉर्स ट्रेन होते हैं, आप कहीं भी लेके जाओ वो अपना राउंड लेके आएंगे। और ये लोग अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं ये बच्चों के लिए ये सब। एक वक्त था जब हम लोगों ने इधर आना शुरू किया था, हम लोग स्कूल में थे तब पहली बार हम लोग बाइक पे आए थे, किसी के पास लाइसेंस भी नहीं था। और उस समय इधर कुछ भी डेवलप नहीं था, पूरा नॉर्मल रोपवे था बट इतना डेवलप नहीं था। आज ये जगह इतनी फेमस भी है, फेमस पहले से थी बट जो अभी डेवलप हुआ है सब माइंड ब्लोइंग। जितनी फैमिलीज है, बच्चे हैं या फ्रेंड्स सर्कल आते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छी सी प्लेस है ये। फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू इधर का। ये सब लीज पे है जगह, वो सुसाइड पॉइंट है, उधर से सनराइज़ देख सकते हो आप और इस तरफ सनसेट आता है, मतलब इस तरफ से इसके पीछे सनसेट का एरिया है। और ये सब होटल्स है, बीच में जो आपको तालाब दिख रहा है उधर बोटिंग्स होती है और वो एक तालाब है बीच में। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है सापुतारा में। अब जैसे यहाँ पे एंटर होंगे आपको 10-10 रुपीज़ की, अगर बाइक से तो 10-10 रुपीज़ लेंगे वो लोग पर बाइक 10 रुपीज़। तो वो देना ज़रूरी है क्योंकि ये सब पैसे डेवलप में जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, तो इन लोग का घर भी उनसे चलता है तो दे देना। कहीं बाइक साइड पे लगा के फिर घूमो ऐसा नहीं करना, दे देना 10 रुपये का सवाल है। अगर ये मेरा व्लॉग मेरी वो एपिसोड्स चल रहे हैं जो उसके बीच में आ जाए तो गालियाँ मत देना क्योंकि उसमें एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लग रहा है। जो भी मेरे डेटास थे मैंने 2-3 अलग अलग फ़ोन्स में वो रिकॉर्ड किए थे तो जो मेरे डेटास है वो सब उल्टे सीधे हो गए। नीचे का वीडियो ऊपर चला गया, ये था पहले दिन का वीडियो लास्ट में चला गया, लास्ट का वीडियो पहले में चला गया, वो सब ढूंढ ढूंढ के मैं कर रहा हूँ तो वो सब वजह से उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। तो ये बीच में आ जाएगा, या तो 3rd एपिसोड की अभी एडिटिंग चल रही है, वो जो गुजरात टूर मैंने किया था उसमें अभी चोटीला का दिखाया, अभी मैं वीरपुर का दिखा रहा हूँ वो 3rd एपिसोड आ रहा है। तो शायद या 3rd या 4th एपिसोड के बीच में वो शायद आ सकता है ये वाला ब्लॉग। सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करेंगे, करने वाले हैं नहीं हम लोग। जो इधर रेगुलर आता है उन लोग को तो ये जगह पूरी मालूम होगी, हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं, हम लोग को चप्पा चप्पा मालूम है इधर का। जो नहीं आए हैं उनके लिए बहुत फायदा है ये वीडियो में। तो वहाँ होती है पैराग्लाइडिंग। तो इधर जैसे रास्ता बना है वही हिसाब से जाना, बीच में रास्ते बने हैं मतलब ट्रैक बने हुए हैं पर उनमें से जाने की ट्राई मत करना। अभी तो अच्छा है, हम लोग पहले फंस चुके थे एक बार, तो जैसे रास्ता बना है वैसे ही जाना, इज्जत से भले 2-5 रुपये का पेट्रोल आपका बिगड़े।
पर 10 रुपये का मत बिगाड़ देना वो चक्कर में। ये कार जबरदस्त है, मॉडिफाई की है, पीछे साइलेंसर नहीं है, दोनों तरफ साइड पे है। और ये प्लेस है पूरी पैराग्लाइडिंग के लिए, वो देखो कैसे भगा रहा धुआं, तूफान उठा दिया मैंने। कामा का बाइक से उतरा, काफी दूर चले गए वो, चलते चलते जाना पड़ रहा है। और मैंने पहना है जैकेट, और ऐसे पहना है कि मैं उतार भी नहीं सकता क्योंकि रखने की जगह नहीं है अभी कहीं। तो अभी आप व्यू देखिए इधर का, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो इधर एक्टिविटीज़ होती है फैमिलीज चिल्ड्रंस के लिए, घोड़ा है और बाइक से छोटे छोटे। आपका नाम सर जी? पीछे लिखा है काशीनाथ। तो इधर प्राइस क्या है, सीजन के हिसाब से होती है या फिर सीजन के हिसाब से? अभी क्या चल रही होगी ये, मतलब राउंड ले रहे हैं कोई? 100 रुपये राउंड। 100 रुपये राउंड का, और घोड़े का कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये। तो सापुतारा में आप जब भी पैराग्लाइडिंग के एरिया में आओ, वो देखो, तो इनसे काशीनाथ जी से जरूर मिलिएगा। आपका नाम? लखन भाई। और आपका? विलास। विलास भाई, तीनों दिन से जरूर मिलिएगा। इनका खर्चा हम लोगों में से निकलता है, जैसे आप आते हो इधर तो अपना थोड़ा सा हिस्सा कमाई का देना उनको, आप राउंड लेना और इनका घर इनमें से ही चलता है। अंकल 6 तारीख साथ है। अबे उजो कट्टा वैसे एकदम डालने मत। अबे उजो कट्टा बहनी, कट्टा वैसे एकदम डट्टा ही तो बस बीफ पाचड़। तो ये है वो पार्टीशन, दिखाता हूँ ये वाला जो है, ये पार्टीशन है। इस तरफ जो है ये गुजरात है और इस तरफ है महाराष्ट्र। तो मैं अभी खड़ा हूँ वैसे महाराष्ट्र में, थोड़ा सा इस तरफ से जाऊँगा तो मैं गुजरात में चला जाऊँगा और इस तरफ से जाऊँगा तो महाराष्ट्र में। ये अपने काशीनाथ भाई, तो अभी मैं महाराष्ट्र की सरहद पे हूँ, इस तरफ गुजरात है और इस तरफ महाराष्ट्र आएगा। ये पूरा वे सप्तशृंगी के पास जाता है, शिरडी वाला रास्ता। अभी ऊपर पता नहीं बना क्या है, एक्चुअली हम लोग जब आ रहे थे अभी तब, लास्ट टाइम हम जब आए थे तब ये बन रहा था, हमको आते अप्रॉक्स 2 साल जितना हो गया, 2 साल पहले आए थे तब ये बन रहा था। तो अभी देखेंगे ऊपर क्या है, पहले हम लोग पेट पूजा कर लेते कुछ। और उधर पैराग्लाइडिंग के पास इतनी धूल उड़ी, बियर्ड की पूरे कलर चेंज हो गया। इधर से भी आप सूरज को देख सकते हो, अभी तो सूरज उनको जला रहा और जबरदस्त व्यू है इधर का। ये दूसरा एंगल का व्यू है, हम लोग तो देखो, सॉरी रोप जा रहा है। हम लोग आए थे उधर, ये वाला रास्ता नहीं, उसके नीचे वाला, उधर से हम लोग आए थे ऐसे घूम के, ऐसे होके ऐसे आए हैं। कैसे है, कैसे है, ऐसे 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 ऐसे, और हमारे ऐसे के तैसे हो गए। पूरा दाढ़ी का कलर चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन हो गया। आप एंजॉय कैसे करते हो है मैडम, आप एंजॉय कैसे करते हो? कैसे कभी कैसे
तीन आदमी के साथ, तीन आदमी का और प्यार से प्यार से भी प्यार से मतलब डिमांड बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। कौन करेगा भाई? अरे नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी गई भाई, यही बॉम्बे ब्लास्ट होगा। ओ, अपनी भाषा में बगा ली दो गाली, कौन देगा, ब्लॉग चल रहा है। हम लोग गाली नहीं देते, यही इसी जगह पे हमने डिसाइड किया था। संस्कृत स्लोथ कहते हैं उसको, उन लोग जो मजदूर लोग काम करते हैं ना उनको पूछो वो काम करने टाइम क्या को बोलते हैं। एक वायर था इतना मोटा, वो कितना खींचा बाहर नहीं आया, मेरा दोस्त आया एक गाली से थोड़ा और एक गाली से और थोड़ा, उसके बाद सबके सब गाली देना शुरू कर दिया। मतलब गाली दो थोड़ा एनर्जी, वो बोले वो गाली एक्स्ट्रा बाहर आएगा। आपने पूरा कैबुलेशन अंडरग्राउंड से पूरा बाहर निकाल दिया, बोला क्या पावर रहता है दूसरा गाली का। आपको पावर पता है इधर सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे ये कि पूरा पहाड़ है पर उधर जो है वो फ्लैट जमीन काफी मस्त लग रही है। हम लोग ने उधर जाने का प्लान कैंसिल किया है क्योंकि लग नहीं रहा कि कुछ है उधर, टॉप पे जाना रहता है बस, उधर बस उतना ही है। तभी हम लोग और जगह देखने वाले हैं। तो देख रहे हो आप किस जगह कैसी डेवलप हो रही है, और एग्जैक्टली इस तरफ बोटिंग्स होती है इधर। तो हमने बाइक्स लगा दी, अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। पब्लिक है वैसे, तो जैसे आप बोटिंग के लिए आओगे इधर पार्किंग में आपको मिलेगी बाजार, एक जो एग्जैक्टली पार्किंग के बॉर्डर पे पूरी बनाई गई है। कपड़े जूते चश्मे ये देखो, इधर टैटूज है और कपल्स के लिए साइकिल्स, बच्चे कपल। पता नहीं वोटिंग चालू है या नहीं कि पब्लिक नहीं है, देख लेते अंदर जाके। एक्चुअली एंट्रेंस बदल दिया, उस तरफ कर दिया, कोई बात नहीं घूम लेंगे इधर से। ऐसे काफ़ी अच्छा डेवलप किया इसको, जब हम लोग आए थे तब इतना डेवलप नहीं था ये। हम लोग काफी घूम के आए, हाँ।
उम्मीद से काफ़ी अच्छा, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। पिकनिक स्पॉट के लिए परफेक्ट और बोट्स के लिए लगी है भीड़। तो भाई बहुत थक चुके हैं, क्या ही बोलूं भाई, जिंदगी की लंबी सफर। आपका क्या हाल है? और तीसरा वहाँ है, ठंड में कभी कैरी देखी है? ये देखो, अब मैं हाइड्रेटेड हो चुका तो बोट में नहीं जा रहे क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा नसीब खराब है या सबका अच्छा है, वो वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है। ये क्या बोल रहा है? बोला पता नहीं, खाया ऑर्डर कर ले, खाई दिलू। हे ब्रो, हाथ तक देखूं मैं। तो बोटिंग हमने कैंसिल किया क्योंकि भीड़ बहुत थी, दो तीन घंटे उधर बिगड़ जाते। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको देख के मेरा मन पिघल जाता है। तो ये है डिपॉइट, यहाँ का बस स्टेशन, साबूदारा बस स्टेशन है ये, जो भी बन रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या बैग खुला हुआ है? तो कौन सा? ओ नो, बंद कर। तो इधर देखते हैं, अभी पैराग्लाइडिंग अभी इधर रखा है या बंद कर दिया, क्योंकि उस तरफ बहुत बड़ा स्पेस में चालू किया उन लोग ने। डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है इन लोग की। शायद से बंद कर दिया है। रहने देते हैं, आगे नहीं जाते। उधर एक है स्पॉट जाने के लिए, बट अभी धूप बहुत ज़्यादा निकल चुकी है और इधर से चांद भी दिख रहा है, वो भी इतना बड़ा। Oh my God. One second. तो है इधर चालू है, छोटा सा है वो, ऊपर बड़ा सा है, और ये है सनराइज पॉइंट। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे ऊपर, क्योंकि इतना दूर आने के बाद नज़ारा ना देखे वो मतलब नहीं है। भाई क्या नज़ारा है, दिन में भी चांद दिखाई दे रहा है।
पूरा सापुतारा, ये है पूरा सापुतारा, उधर से लेके इधर तक पूरा सापुतारा। अभी हम लोग वीडियो को एंड कर दें, और जैसे कि पूरा अगर सापुतारा घूमना है तो आप लोग को एक रात पहले आना पड़ता है, तो आप सनराइज से लेकर सनसेट तक सब देख पाओगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सुबह देखने पड़ेंगे, तो एक रात पहले आए या सुबह 5-5:30 बजे तक आ जाइए, तो आपको सब आप सब देख पाओगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना।